What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, हम लोगों ने start किया था planning और complete भी कर दिया था planning. अभी बारी आ गई है शुरू करने की chapter number 5 that is organizing. और इसको भी हम दो ही parts में, जैसे planning दो part में हो गया, organizing भी दो ही parts में, आज और कल ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम परसों staffing शुरू करेंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और as per schedule पढ़ना है और चीज़ें तैयार करनी हैं. चलिए let's begin. तो शुरू करते हैं यार हम लोग चैप्टर के नाम के साथ. चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. प्लानिंग आपने कर लिया. प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता था, जिसमें हम चीजें एडवांस में सोच के चलते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है. अब सपोज आपने कोई नया बिजनेस बनाया, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो ना, तो आपने कोई नया स्टार्टअप करा. अब स्टार्टअप में आपने चीजें प्लान कर ली कि आप खुद को कहाँ देख रहे हो, आज से 10 साल बाद आप कहाँ देखते हो, 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो, आप क्या बेचना चाहते हो, कैसे बेचना चाहते हो, किस तरीके से चीजें होंगी, वो आपने प्लान करी. अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको हर चीज को प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा काम होता है एक अकेला इंसान नहीं कर सकता. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे काम को सिस्टमैटिकली डिवाइड करना पड़ेगा. दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, जो कि फेयोल ने भी बोला था. तो आप लोग क्या करते हो, जो भी सिमिलर नेचर की चीजें होती हैं वो एक जगह डाल देते हो. जैसे सपोज कोई प्रोडक्शन की चीज है तो उसके लिए आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पैसे वाली सारी चीजें इनकम टैक्स जीएसटी फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया. तो आपने हर चीज का अलग अलग विभाग बनाया, हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया. चीजें डिवाइड हो गई, चीजें सिंप्लीफाइड हो गई, चीजें सॉर्ट हो गई. इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. क्या हमारे घर में हर कपड़ा प्रॉपरली अलमीराज में फिटेड होता है? शूज की अलग जगह होती है, चाबी रखनी है अलग जगह होती है, आपकी बुक्स रखनी है वो अलग जगह होती है, प्रॉपर टेबल होता है हर चीज का, खाना खाना है अलग. तो वो क्या हुआ हुआ है, जिस चीज का प्रॉपरली जो जगह है उसको अलग अलग जगह पे हमने रखा है. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. यही तो ऑर्गेनाइजिंग है सर. क्या है ऑर्गेनाइजिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. इसका मतलब जितनी भी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है उनको डिफाइन करो, उनको ग्रुप करो, सिमिलर नेचर की चीजें एक जगह रखो और अल्टीमेटली रिलेशनशिप बिल्ड कर दो कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन बॉस होगा, कौन उसके नीचे काम करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया. इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है. नेक्स्ट आता है बच्चों स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. कौन कौन से स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में? प्लानिंग प्रोसेस जब हम पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, एस डाइज इफ. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे आई डी ए ई. एक आइडिया होता है, ये आई डे ई है. सर आई डे ई में सबसे पहले आई क्या है? आई इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. सर आइडेंटिफिकेशन का मतलब देखो, सबसे पहले आपने प्लानिंग करी ना, अब आपको काम आइडेंटिफाई करना है कि काम है क्या. देन आप क्या करोगे, काम को एक बार आपको पता लग गया कि भैया ये काम करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता लग गया कि हमें ये बनाना है, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे प्रॉपरली कौन इंसान क्या कर रहा होगा, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता. तो सबसे पहला जो काम है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड द डिविजन ऑफ वर्क. क्या है देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स, ताकि काम प्लान के हिसाब से हो सके. डिविजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देर इज नो डुप्लीकेशन. एक तो जब आप प्रॉपरली डिवाइड कर देते हो तो एक चीज दो बार नहीं होती, दूसरा सिस्टमैटिक मैनर में सारी चीजें होती हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसके अंदर एनसीईआरटी हेडिंग लिखना सीधा सीधा डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. सर व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? डिपार्टमेंट्स बनाना. जैसे मैंने क्या बोला आपको, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सेल्स के लिए सेल्स, मार्केटिंग के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआरडी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना हमारे पास. तो यहाँ पे आप अब डिपार्टमेंट्स बनाओगे. आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट. जो सिमिलर मिलती जुलती चीज़ें हैं वो एक डिपार्टमेंट में डालेंगे. डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हो सकती है. लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. जैसे मैं बना रहा था प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस एचआर, ये फंक्शंस हैं.
कुछ लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जो कंपनीज मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, जैसे हमारी FMCG होती है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे ITC है। अब ITC ने क्या डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे भैया, ये सिगरेट्स हैं, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी के बाद ये हमारा आटा वगैरह है, आशीर्वाद। तो ITC ने क्या करा हुआ है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए होंगे। तो अगर फंक्शंस के बेसिस पे बन रहा है उसको बोलते हैं हम फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, और अगर कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। सही हो गया। और इसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने ITC का एग्जांपल दिया आपको, तो वहां पे डिविजनल डिपार्टमेंटेशन होता है। ओके, आई हो गया, डी हो गया, फिर ए क्या है सर, ए है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो विभाग बनाए हैं, जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, उनको काम दो, असाइन करो ड्यूटीज, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, प्रॉपरली बताओ। तो क्या होगा, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट इज असाइंड अ ड्यूटी एज पर द स्किल, जो स्किल है स्किल के अनुसार, बिना स्किल के काम नहीं देना, जिसकी जो स्किल है उसी हिसाब से उसको काम दो, राइट। नेक्स्ट आता है इस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, इस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का मतलब होता है एक हायरार्की डेवलप करना। सर व्हाट इज हायरार्की, ये शब्द आपको बहुत देखने को मिलेगा। हायरार्की का मतलब होता है बच्चों एक रिलेशनशिप डेवलप करना, जिसमें हम ये बोलते हैं कि हु इज द बॉस, यानी सुपीरियर कौन है, एंड हु इज द सबॉर्डिनेट, राइट। अब ये जो बॉस है इसका भी कोई ना कोई बॉस जरूर होगा, सही है ना। अगर सपोज मैं बैंक मैनेजर हूँ अपने शहर में, तो मेरा भी तो ऊपर टेरिटरी पे कोई ना कोई मैनेजर बैठा होगा ना, उसके भी ऊपर कोई ना कोई बैठा होगा ना। तो जो लेवल्स बने हैं, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं, कि सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल, इस पूरे को हायरार्की बोलते हैं, कि कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट्स। तो अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट्स बना दिए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अब आप क्या करोगे, इस्टैब्लिश करोगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कि कौन बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबॉर्डिनेट, यही इसका मतलब होता है, समझे। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा जी, हमारे पास इन द फोर्थ स्टेप ऑल द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। द मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसिडर्ड एज टॉप लेवल एंड मैनेजर्स विद मिनिमम अथॉरिटी आर ग्रुप्ड इनटू लोअर लेवल। जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं वो टॉप लेवल पे आ जाएंगे, जिनके पास कम पावर्स हैं वो लोअर लेवल पे आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट हो गया, सही है, बहुत सही। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस, IDAE, राइट। चलो अब आ जाता है सर, ऑर्गेनाइजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, या ये जो आपने काम बांटा है, या ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, या हमारे घर में भी हर पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, हर चीज़ के आसानी से चीज़ें मिलती हैं ना, इससे क्या फ़ायदे हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर वन, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, भाई मैंने लॉ भी करी, राइट, मैंने उसके अलावा अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स भी करी, तो मैं फाइनेंस में भी जॉब कर सकता था, मैं लॉ में भी जॉब कर सकता था, मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस भी कर सकता था, मैं फाइनेंस में भी कोई काम कर सकता था, मैं मार्केटिंग में भी काम कर सकता था, बट मैंने क्या प्रेफर करा कि मैं पढ़ाऊँगा। आई लव टीचिंग, दिस इज़ माई थिंग, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें मैं कभी थकता नहीं हूँ। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ, उसके अलावा भी मैं अलग अलग सेमिनार्स भी करता हूँ वेरियस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और कभी नहीं थकता। रीज़न बीइंग, मुझे अच्छा लगता है ये काम। अब जब मैं इतने टाइम से ये चीज़ करता आ रहा हूँ 2014 से पढ़ा रहा हूँ, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, तो क्या मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन आ चुका है? जब मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ हर साल, और बेटर, तो मुझे एक स्पेशलाइजेशन आ गया या नहीं आ गया? ऑर्गेनाइजिंग के यही फ़ायदे होते हैं। जब आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो, जब आप काम बांट देते हो, तो हर एम्प्लॉई उसी डिपार्टमेंट का काम कर रहा होता है, तो इतना परफेक्ट हो जाता है वो कि आपका काम अच्छे तरीके से होने लगता है ना। अब जैसे सपोज फाइनेंस मैंने अपना आउटसोर्स कर दिया, तो किसको दिया? जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, तो मेरा फाइनेंस भी ज़बरदस्त तरीके से होने लग गया, पढ़ाने का मैंने रख लिया, उसके अलावा सोशल मीडिया मैंने उन लोगों को दे दिया जो सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, मेरा वो भी बढ़िया तरीके से होने लगा। तो आप जब काम डिवाइड करते हो ना, तो एक चीज़ एक इंसान कर रहा होता है जो उसमें एक्सपर्ट होता है, तो उसको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, राइट। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ द टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। Due to this division of work,
एंड असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. दूसरा रोल क्लैरिटी, बहुत क्लियर रहता है कि मेरा क्या रोल है ऑर्गेनाइजिंग में. अगर मुझे पता ही नहीं होगा, कभी मेरे से कुछ करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं, तो मेरा रोल ही क्लियर नहीं होगा, मैं खुद ही कन्फ्यूज रहूँगा. ऑर्गेनाइजिंग से रोल क्लैरिटी रहती है. तीसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हर चीज़ जब वेल डिफाइंड होगी तो मुझे पता होगा कौन मेरा बॉस है, कौन मेरा सबॉर्डिनेट है, हु इज़ माई सुपीरियर, हु इज़ माई सबॉर्डिनेट, मेरे अंडर कितने लोग हैं और मेरा बॉस कौन है. इट इज़ वेरी क्लियर ऑर्गेनाइजिंग में कि हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बहुत क्लियर होता है. इसीलिए ये चीज़ें अच्छे से चलती हैं. इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज़ क्लियरली डिफाइंड दैट वॉट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज इन्जॉयड बाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू हुम ही कैन गिव ऑर्डर्स and from whom he has to receive the orders. Next आता है बच्चों effective administration. Effective administration का क्या मतलब होता है? Effective administration का मतलब होता है proper rules और regulations के साथ जब आप चलते हो तो administration आसान रहता है. यानी आपको report करना आसान रहता है, आपको गलती पकड़ना आसान रहता है, आपका duplication नहीं होता, proper resources का utilization होता है, तो administration is easy. राइट. नेक्स्ट आता है अडैप्टेशन टू चेंज. ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को अभी हम पढ़ने वाले हैं. स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेमवर्क, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे है. इसमें हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, जब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो, जब आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो, तो वहाँ पे आप उसको फ्लेक्सिबल बनाते हो और लोगों को ऑप्शन मिलता है कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं एज पर सिचुएशन. क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो बहुत डायनामिक है, ये बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, रोज़ कुछ ना कुछ नया होगा. तो अकॉर्डिंगली आप खुद को चेंज करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, आप अडैप्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का क्या मतलब होता है बेटा जी? कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में, क्योंकि आप लोगों को काम देते हो. पर्सनल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे लिए काम कर रहे हैं. आप उनको काम देते हो, नए नए टास्क देते हो, नए नए टारगेट्स असाइन करते हो, तो लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें करने को मिलती हैं जो शायद पहले वो कहीं पे नहीं कर रहे थे. उसके साथ साथ नए नए चैलेंजेस वो फेस करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. आप बेसिकली फ्यूचर लीडर्स बना रहे हो, है ना, क्योंकि काम डिवाइड कर रहे हो तो सबको काम बांट रहे हो, तो आप फ्यूचर लीडर्स बना रहे हो. तो इससे लोगों का डेवलपमेंट होता है, एक्सपेंशन ग्रोथ तो होगा ही होगा. जब भी डिविजन ऑफ वर्क होगा, काम ज़्यादा कर पाओगे आप, तो एक्सपेंशन और ग्रोथ देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड करी जाती है कैसे बनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन देखने में कैसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा. हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, याद रखना इस शब्द को, फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क जो आपको ये बताएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कैसे होंगे. जब आप कोई मकान बनाते हो तो पहले एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा आता है ना, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. राइट. कि कितने लोग चाहिए, किस तरीके से उसको क्या काम दिया जाएगा, कैसे आप सब कुछ मैनेज करोगे, ये सब क्या लिखा है. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजीरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड. इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. कितने लोग, क्या काम और क्या क्या रिसोर्सेज यूज करोगे. परफेक्ट. अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल. नेक्स्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर. ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ही शेप मिलती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, याद रखना. क्योंकि एक सुपीरियर कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है सबॉर्डिनेट्स को, उसी हिसाब से तो आप डिफाइन करोगे ना कि ज़्यादा लोग चाहिए या कम लोग चाहिए. परफेक्ट. नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास कितने प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट बनाती हैं फंक्शंस के बेसिस पे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टी प्रोडक्ट होती हैं, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके चलती हैं. देखो अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है
तो फिर आप फंक्शंस के बेसिस पे ही डिपार्टमेंट्स बनाओगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप 2, 4, 10, 20 प्रोडक्ट बनाते हो, तो फिर आपको प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर डिपार्टमेंट बन रहे हैं किस बेसिस पे, अगर डिपार्टमेंट बन रहे हैं फंक्शंस के बेसिस पे, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और अगर डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं हमारे किस बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के अंदर डिविजन प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास डिविजनल। और फंक्शनल में क्या होता है, देखो फंक्शनल में जनरल मैनेजर के नीचे प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इस तरीके से होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग द मेजर फंक्शंस एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स वाली सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज वाली परचेज डिपार्टमेंट में, ऐसे, राइट। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस व्हिच हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ये उनको चलता है जिनके पास एक ही प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है, बहुत सारा काम रहता है और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर केस स्टडी आएगा ही आएगा। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, वही देखो, स्पेशलाइजेशन आएगा। अब जब प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहा है तो फिर स्पेशलाइजेशन तो देखने को मिलेगा ना, वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब आप एक ही काम बार बार करते हो तो आप एफिशिएंट हो जाते हो, कम समय में करने लगते हो वो चीज़ें, कम कॉस्ट में करने लगते हो वो चीज़ें, क्योंकि आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो। तीसरा, इजी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो सब लोग को मिलजुल के ही काम करना पड़ता है। फोर्थ, इफेक्टिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग काफ़ी ईजी रहती है और इफेक्टिव रहती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्किल में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही होंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं तो 25 मार्केटिंग कर रहे हैं, 25 फाइनेंस देख रहे हैं, 25 सेल्स देख रहे हैं, 25 परचेज देख रहे हैं और प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आपको 25-25 को ही ट्रेनिंग देनी है। अगर आप ये चाहते हो कि एक एम्प्लॉई सब कुछ कर ले तो 100 के 100 को हर चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है और ईजी होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके सर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे क्या? बिल्कुल डिसएडवांटेजेस भी होंगे। नंबर वन, कई बार आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? देखो, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ प्रोडक्शन सिखाया तो वो सिर्फ उतना ही सोच पा रहा है जितना रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अब सपोज आप चाहते थे कि कॉस्ट कटिंग हो, बट प्रोडक्शन वाले ने तो यही सीखा है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्शन करनी है। वो कॉस्ट के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो सोच ही नहीं रहा कि रॉ मटेरियल भी सस्ता लेना चाहिए, वो सोच ही नहीं रहा कि और भी चीज़ें हो सकती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ क्या है, प्रोडक्शन गुड क्वालिटी करना है। तो प्रोडक्शन तो अच्छा हो जाएगा, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए था फिलहाल कॉस्ट कटिंग, वो नहीं हो पाएगी, वहाँ पे आप मात खा जाओगे। इसीलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का गोल तो अचीव हो जाता है बट ओवरऑल गोल अचीव नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आपने जो अपने एम्प्लॉई को ट्रेन किया है वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रेन किया है ना, यानी एक ही पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ट्रेन किया है ना। तो अगर आपके किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ कम पड़ रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई आके काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, ट्रेनिंग ही उसको एक चीज़ की मिली है, तो कैसे चलेगा, ये काम चल ही नहीं पाएगा, राइट। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कई बार डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, और ये तो सब जगह चलता है, जहाँ पे भी जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलेगा, दिस इज़ अ कॉमन थिंग। प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समटाइम नहीं बन पाता, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग काम करना है बट सब इंटर रिलेटेड है, तो कई बार कोऑर्डिनेशन माइंडसेट मैच नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती हैं, चलता है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल क्या होगा, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर जो एक्टिविटीज एक प्रोडक्ट की है वो एक डिपार्टमेंट में चलेंगी। अब यहाँ पे खास बात क्या है समझो, फंक्शनल इन्हें भी करना पड़ेगा, जैसे ITC है। अब ITC ने सपोज पहला अपना सिगरेट्स रख दिया, तो भैया सिगरेट को भी तो रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस सब चाहिए। सिमिलरली दूसरा स्टेशनरी रख दिया क्लासमेट्स, तो क्लासमेट में भी तो उसको R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस सब चाहिए। तीसरा उसने अपना रख दिया खाना पीना आशीर्वाद, उसमें भी तो उसको सब चाहिए। तो फंक्शनल तो होगा ही होगा, लेकिन पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा वो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन होगा, बाद में फंक्शंस के बेसिस पे होगा। होगा इसमें भी लेकिन बाद में होगा, समझे। अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच कॉम्प्राइजेज ऑफ
separate business units or divisions. Generally, manpower is grouped on the basis of different products. Products ke basis pe yahan aapko dekhne ko milega. Yahan ye kahan pe chalta hai? Jahan pe aapko product specialization chahiye. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तो आई जाएगा बाद में, पहले प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती है वहाँ पे चलता है, और ग्रोइंग कंपनीज जो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं वहाँ पे ये चलता है. ओके हो गया जी. इसके क्या एडवांटेजेस हैं बेटा जी? वहाँ पे आपको जनरल स्पेशलाइजेशन मिलता था, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट आपका एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छे से ही बनने वाला है. दूसरा लिखा है एक्सपेंशन ग्रोथ, ये कॉमन है, सब जगह चलता है. तीसरा लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव. फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? देखो, एक डिपार्टमेंट को अपने डिसीजंस खुद लेने हैं. वहाँ पे क्या होता था कि एक ही प्रोडक्ट होता था, सब मिलजुल के डिसाइड करते थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था, लड़ाई झगड़ा होता था. लेकिन यहाँ पे क्या है, अब सपोज सिगरेट जो डिपार्टमेंट है वो अलग ही डिपार्टमेंट है ITC का, तो सिगरेट के बारे में कोई भी डिसीजन है तो वहाँ पे उनका ना तो स्टेशनरी वाला डिपार्टमेंट बीच में इंटरफेयर करेगा, ना ही उनका खाने पीने वाला FMCG वाला कंज्यूमर गुड्स वाला डिपार्टमेंट बीच में इंटरफेयर करेगा. यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगी कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. लिखा हुआ है फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिविजन फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट. सब अलग है, राइट? सर, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या? देखो, डिसएडवांटेज नंबर वन, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग फाइनेंस, हर डिपार्टमेंट में अलग HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत पैसा चाहिए भाई. कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ भी होंगे, राइट? जितने ज़्यादा लोग उतने लड़ाई झगड़े. एंड इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यहाँ भी वही है. समटाइम्स आपने अपने डिपार्टमेंट का टारगेट पूरा कर लिया, अपने डिपार्टमेंट को बेटर बनाने के लिए आपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा ही नहीं, वो आप भूल गए, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी. अब आपके लिए आ रहा है एक डिफरेंस, जो कि आप ही मुझे बताने वाले हो. देखो, हमारे पास सबसे पहले फंक्शनल में लिखा है फॉर्मेशन, ये किस बेसिस पे बनता होगा? तो फंक्शंस के बेसिस पे. वो किस बेसिस पे बनता होगा? प्रोडक्ट्स के बेसिस पे. बहुत बढ़िया, सपोर्टेड बाय फंक्शंस, राइट? स्पेशलाइजेशन, इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन या जनरल स्पेशलाइजेशन, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. मैनेजीरियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है मैनेजमेंट का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को. यहाँ पे तो प्रोडक्ट लाइन ही अलग है, डिपार्टमेंट ही अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा बेटर होता है, ठीक है. कॉस्ट यहाँ पे इकोनॉमिकल है, क्योंकि एक काम दो बार नहीं होता. यहाँ पे एक काम दो बार होता है तो ये कॉस्टली है. सर, एक काम दो बार कैसे? जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस सिगरेट को भी चाहिए, फाइनेंस आशीर्वाद आटा को भी चाहिए, और फाइनेंस बेसिकली स्टेशनरी को भी चाहिए, तो इसीलिए एक ही काम तीन बार हो रहा है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन है, इसलिए थोड़ा महंगा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स, ईजी टू फिक्स. अगर आप ओवरऑल गोल नहीं अचीव कर पाए तो आप किस डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराओगे यहाँ पे? प्रोडक्शन को, सेल्स को, मार्केटिंग को, पता ही नहीं. लेकिन यहाँ तो आप ढूंढ सकते हो ना कि भैया सिगरेट नहीं बिक्री, रेवेन्यू इसलिए डाउन है, या स्टेशनरी बहुत अच्छी बिक्री है इसलिए रेवेन्यू अप है. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो किसी एक चीज़ को, क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बना है. यहाँ पे नहीं ठहरा सकते भैया, यहाँ समस्या है. तो गाइज, ये था हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आपको बड़े ध्यान से चीज़ें देखनी है, करनी है. आज मैंने जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, एक बार NCERT से रीडिंग ज़रूर ले लो, सो दैट चीज़ें मिस ना हो और बेहतर हो पाए. हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, और चैप्टर को करेंगे समाप्त, फिर हम चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे. Thank you so much, everyone.